हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु। आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई करते मेरे जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर। इस सुंदर से शाम के लिए हम आपके चरणों में आते हैं पिता, आपको आदर और महिमा सम्मान करते हैं यीशु नासरी के नाम से। के खुदावन, आज इस सुंदर से शाम के लिए आज जितने भी मसीह भाई बहन जुड़ रहे हैं, आज इनके परमेश्वर इनके जीवन में पिता आप खुशियाँ देने वाले हैं, इनको हर प्रकार की मुश्किल घड़ी से आप बचाने वाले हैं, इनकी हर प्रकार की चिंताओं को आप देखने वाले खुदा हैं, इनकी हर एक परेशानियों को देखने वाले पिता हैं, इनकी हर एक प्रॉब्लम को देखने वाले हैं, क्योंकि आप तो सर्वशक्तिमान हैं, आप तो सबसे प्यार करने वाले और प्रेमी हैं परमेश्वर। इसलिए आपको आदर महिमा सम्मान करते हैं कि आप तो प्रिय हैं पिता। अपना हाथ हर एक मसीह भाई बहन के ऊपर रखें पिता, क्योंकि वो आज वो आप पर बिलीव करते हैं, आप आज आप पर भरोसा रखते हैं पिता। आज उनके जीवन में कुछ भी चिंताएं हो पिता, वो किसी भी चीज से ग्रसित हो, किसी भी प्रकार से मुसीबत से लड़ रहे हैं पिता, आप उनकी मदद करें। आज जितने लोग यकीन रखते हैं, भरोसा रखते हैं, आज उनके जीवन में परमेश्वर ब्लेसिंग करने जा रहा है, उनका विश्वास आज आप उनके जीवन में हर प्रकार की प्रॉब्लम्स को दूर करने जा रहा है, हर एक प्रकार के नकारात्मक विचार, नेगेटिव सोच, ओवरथिंकिंग जो है पिता, आज उनको आप मिटाने वाले हैं, उनको आज सिखाने वाले हैं, उनको आज आप संभालने वाले हैं पिता। यीशु नासरी के नाम से हम आपकी महिमा करते हैं मेरे प्रिय भाई बहनों। भरोसा रखना इस सुंदर से शाम के लिए, आज जितने लोग भी परमेश्वर पर यकीन रखने वाले और खुदा पर बिलीव करने वाले, भरोसा रखने वाले और धैर्य रखने वाले पिता पर विश्वास करते हैं और अपनी जिंदगी में धैर्य रखते हैं, उनके हृदय में विश्वास को परमेश्वर बोता है, उनके हृदय में परमेश्वर शांति देता है, उनके हृदय में परमेश्वर हर प्रकार के जो नकारात्मक भरे हुए विचार उसको दूर करता है, हर एक प्रकार के शक को दूर करने वाला वो खुदा है। आज आपकी जिंदगी में अनेकों प्रकार की खुशियां देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। इसलिए आज आपके जीवन में किसी भी प्रकार की शैतानी ताकत, किसी भी प्रकार के अंधकार के बल, किसी भी अंधकार के रोगाणु विषाणु निर्बलताएं आज को काम नहीं करेगी। यदि आज आप विश्वास करते हैं, भरोसा रखते हैं, तो आज खुदा आपके जीवन में आपको चमकने दे रहा है, आपको परमेश्वर आज आप पर अनेक प्रकार की खुशियां देने वाला है। चाहे आज किसी भी प्रकार से रोगाणु से ग्रसित हो, रोगाणु विषाणु और निर्बलताएं और सर्दी जुकाम, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम, अनेक प्रकार की चिंताएं, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम्स आज वो खुदा आपको देने जा रहा है। आप चिंतित हैं, आज आप परेशान हैं अपने घर को लेकर के, आज अपने आप घर को लेकर के आप बहुत चिंतित हैं, बहुत घबराए हुए हैं, लेकिन आपको घबराना नहीं है, क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह जब नाव पर थे और उनके चेलों के साथ अपने चेलों के साथ नाव पर जा रहे थे, आंधी के समय जब शांत करना प्रभु यीशु मसीह को करना पड़ा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे देखना चाहते थे कि इनका विश्वास कितना है, प्रभु यीशु मसीह ये देखना चाहते थे कि इनका विश्वास कितना है, क्योंकि विश्वास हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। यदि आज हमारे जीवन में दुख है, तकलीफ है, मुश्किल घड़ी है, आज हम बहुत ग्रसित हैं हर प्रकार के रोगाणु विषाणु निर्बलताओं से और अपने जीवन से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बहुत ज़्यादा चिंतित हैं, चाहे वो किसी भी चीज़ को लेकर के, जॉब को लेकर के, घर को लेकर के, परेशानियों को लेकर के, अनेक प्रकार की चिंताओं को लेकर के, बहुत सारी चिंताएँ हैं, जो संसार में दुख है, मुश्किल घड़ी है, तो परमेश्वर कहता है कि तुम विश्वास रखो, भरोसा रखो, जो भी तुम्हारे जीवन में किसी प्रकार की कोर्ट कचहरी से आप जूझ रहे हैं, आपके ऊपर केस चल रहा है, तो खुदा आपको आजाद करने जा रहा है, आपको हर प्रकार की मुश्किल घड़ी से परमेश्वर आपको निकालने जा रहा है। यदि आज हम यकीन रखते हैं, हम घर के लिए प्रार्थना करेंगे, आपके परिवार के लिए प्रार्थना करेंगे, आपके कर्ज से आप दबे हुए हैं और दुख से मुसीबत से आप ग्रसित हैं, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम से आप जूझ रहे हैं, तो खुदा आपको आजाद करने जा रहा है। शादी के लिए आप प्रार्थना करवाना चाहते हैं, हर एक प्रकार की बीमारियों के लिए प्रार्थना करवाना चाहते हैं, तो हम आपके लिए जरूर प्रार्थना करेंगे, लेकिन आपको इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना होगा, इस प्रार्थना को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना होगा, ताकि और लोग जुड़े, और लोग प्रभु में आए, और लोग प्रभु से प्रार्थना करें, विनती करें, और लोग परमेश्वर उनको आजाद करे। परमेश्वर आज आपको आजाद करने जा रहा है। आप जो आपको यकीन रखना होगा, भरोसा रखना होगा, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आपको शेयर करना होगा और लाइक करना होगा, कमेंट के माध्यम से जरूर बताना होगा। आप लोग कमेंट नहीं करते, हर एक मसीह भाई बहन कमेंट करेगा जिसके जीवन में दुख है और सुख है, किसी भी जीवन में किसी प्रकार से आप हैं, परमेश्वर आपको परिपूर्ण करेगा। आपको अपने दिल की बातों को बताना होगा, आपको परमेश्वर के प्रति शेयर करना होगा। यदि आज अपने मन की बातों को परमेश्वर को आपको बताते हैं, तो परमेश्वर आपके जीवन में ढेर सारी खुशियां
देगा। यदि आप हमें कमेंट के माध्यम से भी बताते हैं तो हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे, आपके घर के लिए, आपके परिवार के लिए, आपके अनेक प्रकार की नौकरी के लिए, जॉब के लिए, अनेक प्रकार के कर्ज से आप दबे हुए, दुख से, मुसीबत से, तकलीफ से, अनेक प्रकार की चिंताओं से। विश्वास हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, इसीलिए आज यदि आज हमारे जीवन में अनेक प्रकार की समस्याएं हैं, अनेक प्रकार के अंग से हम ग्रसित हैं, आज हम अनेक प्रकार के रोगियों से ग्रसित हैं, तो परमेश्वर हमको संभालने वाला खुदा है। इसीलिए परमेश्वर ने कहा है, फिर एक दिन वह और उसके चेलों ने नाव पर चढ़े और उसने उससे कहा, आओ झील के पार चलें। यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह के जीवन की घटनाओं को जब हम देखते हैं तो हमें बहुत कुछ सीखने को, बहुत कुछ जानने को मिलता है। यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह विश्वास देखना चाहते थे, क्योंकि परमेश्वर जब नाव पर चढ़े और झील के किनारे जाने की कोशिश कर रहे थे, चलने की कोशिश कर रहे थे, आगे क्या घटना घटती है, उन्होंने नाव खोल दी और वहाँ पे क्या घटना घटती है, पर जब नाव चल रही थी तो सो गया, प्रभु यीशु मसीह वहाँ पर सो गए। तो यहाँ पे ये घटना घटती है, ये आपने कई बार सुना होगा, कई बार आपने देखा होगा, लेकिन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण वचन है, क्योंकि ये विश्वास हमारा विश्वास को देखना चाहता है। यदि आज हमारे जीवन में दुख है तो हमारे जीवन में आनंद भी आएगा, सुख भी आएगा। हमारे जीवन में यदि प्रॉब्लम्स हैं तो हमारे जीवन में खुशियाँ भी आएंगी। यदि हमारे जीवन में चिंताएँ हैं तो वो भी एक दिन खत्म होगी, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम विश्वास रखो, भरोसा रखो। और जिस तरीके से सबोपदेशक के अध्याय 3 में परमेश्वर का वचन कहता है, यदि तू आज रोता है, तू चिंतित है, परेशान है, भयभीत है, दुख से, परेशानियों से आप जूझ रहे हैं, लड़ रहे हैं कोर्ट कचहरी से, तो तेरी जीवन में खुशी आएंगी। ये खुदा का वचन कहता है, ये उसका कलाम कहता है, उसका वचन कहता है। तो क्या आज आप यकीन नहीं रखेंगे? क्या आज आप भरोसा नहीं रखेंगे? आज आपके जीवन में दुख है, तकलीफ है, तभी आप परमेश्वर को याद करेंगे? नहीं, परमेश्वर को आपको हमेशा याद रखना है, चाहे वो दुख हो, चाहे खुशी हो, चाहे किसी भी प्रकार का आपके जीवन में आपका दिनचर्या हो, आपकी लाइफ स्टाइल हो, आपके बच्चे के जीवन में हो, आपके परिवार में हो, आपके बिजनेस में हो, आपके जॉब में हो, आपके किसी भी प्रोग्राम हो आपका, लेकिन खुदा को जरूर याद रखना, उस परमेश्वर को जरूर याद रखना, उसको स्मरण रखना। यदि आज हम उसको स्मरण करते हैं, याद करते हैं हमेशा, तो हमारे हृदय में उसका नाम हमेशा बसा रहेगा, उसके अपने हृदय में हमारा विश्वास स्ट्रांग होगा, मजबूत होगा। यदि हम दुख के समय ही परमेश्वर को याद करें तो क्या करते हैं? कुछ नहीं। तो आपको यकीन रखना होगा कि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है और वो हमें बचाएगा। जैसे जीवन में घटना घटती है, लूका की पुस्तक में जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पे हमें देखने को मिलता है, जानने को मिलता है, बहुत कुछ देखने को सुनने को मिलता है। तो जैसे उनको प्रभु यीशु मसीह ने बचाया उस नाव में, उस झील में, उस नदी में, जहाँ पर ये घटना घटती है प्रभु यीशु मसीह के जीवन में, तो आपको भी विश्वास रखना होगा, भरोसा रखना होगा। आगे थोड़ा सा वचन देखना चाहते हैं, लेकिन लिखा हुआ है यहाँ पर, जब हम 24 यहाँ पे 23 पढ़ते हैं, पर जब नाव चल रही थी तो वह सो गया और झील पर आंधी आई और नाव पानी से भरने लगी और जोखिम में थे वे लोग, मतलब वे लोग परेशान हो लगे, चिंतित होने लगे थे। तब उन्होंने पास आ करके उसे जगाया, किसे? प्रभु यीशु मसीह को जगाया और कहा, स्वामी स्वामी हम नाश हुए जाते हैं। क्या घटना घटती यहाँ पर? यानी प्रभु यीशु मसीह जब नाव में थे, प्रभु यीशु मसीह सो गए थे, लेटे थे, लेकिन जब वहां पे नाव में पानी भरने लगा तो उनको डर सताने लगा कि हम यहाँ पे जोखिम में हैं, अब हम मर जाएंगे, अब हम कैसे बचेंगे, हमें कौन बचाने वाला है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के पास भाग कर जाते हैं, दौड़ करके जाते हैं और प्रभु यीशु मसीह से कहते हैं कि स्वामी स्वामी हम नाश हुए जाते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह उठते हैं और क्या कहते हैं, ये आप सबको पता है, आप सबको ही जानते हैं, हर एक मसीह भाई बहन जानता, छोटा बच्चा, बड़ा हो, कोई भी हो, किसी भी, इसको हर एक व्यक्ति जानता है, क्योंकि आपने कई बार देखा है, कई बार सुना है, कई बार देखा है। लेकिन हमारे लिए विश्वास बहुत महत्वपूर्ण होता है। यदि आज वो लोग विश्वास करते तो क्या उस आंधी को न शांत कर पाते? शांत कर पाते। प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को कहा, यदि तुम्हारा विश्वास कहाँ गया, तुम कहाँ थे, तुम्हारा विश्वास कहाँ है, कब तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, कब तक मैं तुम्हें बचाता रहूंगा। तो क्या आज हमारे पास परमेश्वर नहीं है? क्या वो परमेश्वर आज हमारे जीवन में काम नहीं करता है? क्या वो परमेश्वर आज हमारी जिंदगी को नहीं छूता है? क्या वो हमें ब्लेसिंग नहीं करता है? क्या वो हमारे जीवन को नहीं छूता है? छूता है,
ब्लेस भी करता है, आशीष भी देता है। उसने कहा, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि कब तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा और कब तक मैं तुम्हें बचाता रहूंगा। मैंने तुझे सामर्थ दी, मैंने तुझे ज्ञान दी, बुद्धि दी, समझ दी, मैंने तुझको वचन दिया, मैंने तुझको बताया, मैंने तुझको समझाया, हर प्रकार से परिपूर्ण किया, तो आज तुम मुझे फिर याद कर रहे हो। यदि वो परमेश्वर कहता है कि मैंने तुम्हें पवित्र आत्मा दी है, तुम्हें मैंने सामर्थ्य दी है, इतनी ताकत दी है कि तुम हर एक प्रकार की प्रॉब्लम से बच सकते हो, तुम्हारे पास सामर्थ्य है, ताकत है, उसको क्यों नहीं यूज करते हो। आगे क्या घटना घटती है, तब उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को जगाया और कहा, स्वामी हम नाश हुए जाते हैं। तब उसने उठ करके आंधी को और पानी को लहरों को डांटा और वे थम गए और चैन से वो लोग हो गए। देखा प्रभु यीशु मसीह ने क्या क्या डांटा। यहाँ पर हमें भी आज हमारे जीवन को लेकर के डांटने की आवश्यकता है। आज हमें देखना है कि हमारा विश्वास कहाँ है, आज हमारा विश्वास कहाँ है। आज हमारे जीवन में बीमारियां हैं, दुख हैं, चिंतित हैं, परेशान हैं, हताश हैं, निराश हैं, तो हमें देखना होगा, हमें जानना होगा, हमें खुद जज करना होगा, अपने आप को जज करना होगा। हमें दूसरे का अधिकार नहीं कि हम दूसरों को जज करें, दूसरों के बारे में जाने, नहीं, अपने आप को पहले जाने कि परमेश्वर का वचन क्या कहता था, क्या उसने हमें सिखाया है, क्या प्रभु यीशु मसीह ने हमें सिखाया है, क्या उसने हमें बताया है कि तुम डांटो, डांटो हर एक प्रकार की बीमारियाँ, हर प्रकार के तुम्हारा विश्वास मजबूत होना चाहिए। इसीलिए परमेश्वर ने कहा है, जब लहरों को प्रभु यीशु मसीह ने डांटा और वो थम गए और वो चैन में आ गए, तब उसने उनसे कहा, तुम्हारा विश्वास कहाँ था। पर वे डर गए और वो अचंभित होकर के आपस में कहने लगे, यह कौन है जो आंधी और पानी को भी आज्ञा देता है और वे उसकी मानते हैं। क्या आज हमारी आज्ञा नहीं मानी जाएगी? क्या जो हम आज्ञा देते हैं, क्या हमारे जीवन से आज वो हर प्रकार की प्रॉब्लम्स नहीं दूर होंगी? दूर होंगी यदि आज हम उसी तरीके, जिस तरीके से प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम यकीन रखो, भरोसा रखो, यदि पहले अपने आप को देखो। परमेश्वर ने क्या कहा, पहले हर एक व्यक्ति अपने अपने आप को देखें। यदि आज हम अपने आप को देखते हैं कि हमारा विश्वास कहाँ है, हम कैसे विश्वास करते हैं, कैसे यकीन रखते हैं, कैसे भरोसा रखते हैं, तो आपकी जीवन की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। आपके बेटे की जीवन की प्रॉब्लम सॉल्व होगी, आपके घर की प्रॉब्लम सॉल्व होगी, आपके जीवन की हर प्रकार की चिंताएं दूर होंगी, हर प्रकार के कर्ज से आपसे दबे हुए, मुसीबत से, लोग दुख से पीड़ित हैं, बहुत सारी अनेक प्रकार की चिंताएं हैं, तो आप आजाद होंगे। ये परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हारा विश्वास कहाँ था। और प्रभु यीशु मसीह के चेले अचंभित भी होते हैं वहाँ पर देख करके, ये कौन है जिसकी पानी और आंधी भी बातें मानते हैं, आज्ञा देता है और डांटता है, डांट के भगाता है। तो आज इसी तरीके हमारे जीवन में कितनी भी दुख आए, कितनी भी तकलीफें आए, परमेश्वर हमको शांति देगा, हमारे जीवन में सुख देगा, हमारे जीवन में अनेक प्रकार की चिंताओं से हमें परिपूर्ण करेगा। तो आज हमें डांटना है, आज हमें भगाना है, किसी भी प्रकार से आपको लड़ना ही पड़ेगा, किसी भी प्रकार से आपको लड़ना ही पड़ेगा। आपको भागना नहीं होगा, आप भाग करके जाएंगे कहाँ, इस संसार में आप जाएंगे कहाँ, आपके पास कहीं भी, किसी भी देश में, किसी भी शहर में, किसी भी राज्य में, किसी भी घर में, किसी भी गांव में आप हो, क्यों ना हो, आपके पास हमेशा दुख आएंगे, लेकिन आपको लड़ना होगा, आपको डांटना होगा, जैसे प्रभु यीशु मसीह के जीवन में घटनाएँ घटती हैं। और कई बार हम मरकुस के पुस्तक में पढ़ते हैं, मत्ती की पुस्तक में पढ़ते हैं, लूका की पुस्तक में पढ़ते हैं, हमें कई बार ये पढ़ने को देखने को मिलता है। इसीलिए धैर्य रखना, विश्वास रखना। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम्हारा विश्वास कहाँ है और कहाँ था, ये हमें देखना है। तो यदि आज आप विश्वास रखते हैं, भरोसा रखते हैं, तो इस प्रार्थना को अंत तक ग्रहण करना, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन को छूने जा रहा है, आपको ब्लेसिंग करने जा रहा है, आपको आशीष देने जा रहा है, आपके जीवन को छूने जा रहा है। आपके साथ कोई हो या ना हो, आप अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हैं, तो भरोसा रखना उस खुदा पर जिसने हमें जीवन दिया है, जिसने हमें श्वासें दी है, उस खुदा का धन्यवाद करना, क्योंकि आपके जीवन को खुशियाँ देगा, आपके जीवन को परिपूर्ण करेगा, आपको आपके मन में, आपके जीवन में, आपको ज्ञान, आपको बुद्धि, आपको समझ, आपके बेटे के जीवन में, आपके परिवार में, आपके घर में, आपका विश्वास उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर पर रखना, तब वो आपके जीवन में अनेक प्रकार की चिंताओं को आपको ग्रसित होने से बचाएगा।
जाएगा। के साथ बड़ी हिम्मत के साथ, बड़े धैर्य के साथ, बड़े पेशेंस के साथ आपको ग्रहण करना होगा, क्योंकि आज आपका मन शांत होगा तभी परमेश्वर आपकी प्रार्थना को स्वीकार करेगा। यदि आज आप चिंतित हैं, परेशान हैं, आपके आंसू बह रहे हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है क्यों तू रोता है, क्यों चिंतित है, क्यों परेशान है, क्या तेरा किसी ने साथ छोड़ दिया, क्या तुझे किसी ने धोखा दे दिया, क्या किसी ने तुझे हर प्रकार से टॉर्चर किया है। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि तू यकीन रख, खुदा पर भरोसा रखे कि आपकी जिंदगी में हर एक जरूरत, हर एक प्रकार की बरकत को आपको परमेश्वर पूरा करने जा रहा है आपके जीवन में। केवल विश्वास के द्वारा इस प्रार्थना को ग्रहण करके कि आज आपकी जिंदगी में हर वो घटी और कमी को परमेश्वर पूरा करने जा रहा है। सर्वशक्तिमान प्रेमी परमेश्वर, हर एक मसीह भाई बहन के जीवन को छो पिता परमेश्वर, जो आप पर यकीन रखते हैं, भरोसा रखते हैं पिता परमेश्वर, और परमेश्वर इस प्रार्थना को विश्वास के द्वारा ग्रहण करते हैं, उनके हृदय में विश्वास को बोइए, नकारात्मक और शक और विचारों को दूर कीजिए, तमाम प्रकार के नेगेटिव सोच, ओवर थिंकिंग, जो भी सुनासरी के नाम से आज उनकी जिंदगी से जाए सुनासरी के नाम से। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आप तो सर्वशक्तिमान हैं, आप तो हर एक बातों को जानने वाले, हर एक मन को जानने वाले, हर एक बातों को सुनने वाले पिता यीशु नासरी के नाम से आप हैं पिता। मेरी चिंता जीवित यहोवा परमेश्वर, नकारात्मक विचार और शक को दूर कीजिए, तमाम प्रकार के क्लेश जो आज इस संसार में है, दुख है, मुसीबत में है, क्लेश में, संकट में है, उन्हें हर प्रकार के दुख और मुसीबत छोड़ के चले जाएं पवित्र आत्मा, आपके द्वारा सिर से लेकर के पैर तक तमाम दुख और दर्द भरे अंगों को जला दीजिए यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से उनके पैरों में दर्द, उनके सीने में दर्द, उनके घुटनों में दर्द, उनके हर एक प्रकार की प्रॉब्लम में हर प्रकार के अंगों को जला दीजिए, जो बीमार भरे अंग यीशु नासरी के नाम से, यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आज्ञा देते हैं कि हर प्रकार के वो शैतानी ताकत उनकी जिंदगी से जाए यीशु नासरी के नाम से। वो चतुर शैतान उनकी जिंदगी में जो काम करता है, तमाम प्रकार की बीमारियां, रोगाणु, विषाणु और निर्बलताओं को दूर कर यीशु नासरी के नाम से चला दीजिए, यीशु नासरी के नाम से झुलसा दीजिए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो। ज्योति उन पर चमके, तमाम प्रकार के असात रोग, अंतकारी रोग, पवित्र आत्मा आपके द्वारा सिर से लेकर के पैर तक तमाम दुख भरे और महामारियां सहित कलेश, बीमारियां, अनेक प्रकार की जो भी उनके जीवन में संकट है, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम, यीशु नासरी के नाम से झुलसा दीजिए पिता परमेश्वर। आज वो आज आपके बेटे हैं, आप पर बिलीव करते हैं, आप पर भरोसा रखते हैं, आप पर यकीन रखते हैं पिता, आज उनकी जिंदगी की हर एक घटी और कमी को पूरा कर पिता परमेश्वर, क्योंकि आज वो आप पर विश्वास रखते हैं, आप पर यकीन रखते हैं खुदा, आज उनकी जिंदगी की हर एक प्रकार की जरूरतों को आप पूरा करने वाले परमेश्वर हैं। उनके हर प्रकार की सर्दी, जुकाम, बुखार, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम, हे पिता परमेश्वर, उनकी जिंदगी में हर प्रकार की प्रॉब्लम को छू पिता परमेश्वर, हर प्रकार की बीमारियां उनके जीवन से जाए पिता परमेश्वर। जिस समय यकीन रखते हैं, बड़े हिवाओं के साथ, बड़े हिम्मत के साथ, बड़ी दिलेरी के साथ वो आपके बेटे और बेटियां इसमें प्रार्थना करते हैं खुदावंद यीशु नासरी के नाम से, आपकी महिमा करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं कि पिता आप हमें सुरक्षित रखा, आपने हमें हर प्रकार की बीमारियों से, हर प्रकार के महामारी से, हर प्रकार के क्लेश से, हर प्रकार के संकट से, हर प्रकार की मुसीबत से आपने हमें समझाया, हर प्रकार के कर्ज से दबे हैं, दुख से, मुसीबत से, तकलीफ से, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम में, अनेक प्रकार के कर्ज से दबे हुए, तो आज आपको आज्ञात करने जा रहे हैं नासरी के नाम से। इस समय बहुत मसीह भाई बहन जो कमेंट करते हैं, उनकी ज़िंदगी को छूने वाले आप हैं पिता परमेश्वर, उनके कमेंटों को देखने वाले आप हैं पिता परमेश्वर, इसलिए खुदावंद यीशु नासरी के नाम से हम आपकी चौड़ों में आकर के प्रार्थना करते हैं पिता, तमाम प्रकार की बीमारियां उनके जीवन से जाने पाए, हर प्रकार की जो निर्बलताएं हैं, जिस समय कमजोर हो चुके हैं, असहाय गए, उलझन में, घबराहट में, तमाम प्रकार की परेशानियों में चिंतित हैं, परेशान हैं, हताश हैं, निराश हैं, उनके जीवन से हर प्रकार की चिंताएँ जाए यीशु नासरी के नाम से, क्योंकि खुदावंद यीशु नासरी के नाम से आज हम मांगते हैं कि पिता आज उन्हें घर में बरकत और आशीष दे, उनके जीवन में छो पिता परमेश्वर, उनके जीवन की हर एक घटी और कमी को आप पूरा करने वाले हैं। आप संपूर्ण मन से यहोवा से प्रार्थना करते चलिए, आज आपकी जिंदगी की हर एक जरूरत को परमेश्वर पूरा करने जा रहा है। इस समय हर एक मसीह भाई बहन ठीक होने जा रहा है, जो इस समय जीव पीड़ित है, जो दुखी थे, जो चिंतित थे, परेशान है, हताश है, निराश अपने जीवन से, अपने प्रॉब्लम से, क्योंकि परमेश्वर आपकी जिंदगी में हर एक घटी और कमी को पूरा करने जा रहा है, हर प्रकार की महामारियों से आपको बचाने जा रहा है, मलेरिया सहित तमाम प्रकार की बीमारियों को चला दीजिए इस मसीह के नाम से, तमाम प्रकार के जुकाम, बुखार, उन्हें छोड़ के चले जाएं पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के द्वारा हम आज्ञा देते हैं कि शत्रु और दुष्ट आत्मा, तमाम प्रकार के अंधकार के बल, अंधकार की शक्ति, टोना टोटका, अनेक प्रकार के जादू, अनेक प्रकार की जो भी उनके जीवन में घटनाएं हैं, जो भी सुनासरी के नाम से आज वो हर प्रकार की बीमारियों को आप चलाने वाले हैं, वो हर प्रकार की शैतानी ताकत आपके जीवन से जाने वाली है सुनासरी के नाम से। प्रार्थना करते हैं कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमें इतनी सामर्थ्य देता है, इतनी ताकत देता है, इतनी एनर्जी देता है, इतनी परमेश्वर हमें सामर्थ्य, ज्ञान और बुद्धि
और समझती है, इसीलिए आज वह परमेश्वर ने आपको वो सामर्थ्य दी है, वो ताकत आपको परमेश्वर दी है। इसीलिए इस बड़े हिम्मत के साथ, बड़े हिवाओं के साथ इस प्रार्थना को ग्रहण करिए, चाहे कि इनके जीवन में कितना भी दर्द क्यों ना हो, उनके जीवन में अनेक प्रकार के दर्द ही सुना श्री के नाम से, तमाम प्रकार के कैंसर, पेट के कैंसर, जिगरे कैंसर, सिर में दर्द, पेटों में दर्द, हाथों में दर्द, घुटनों में दर्द, पत्नी में दर्द, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम्स, अनेक प्रकार की झंझट में जो फंसे हुए हैं, जो पड़े हुए हैं, कोर्ट कचहरी, पुलिस थाना, जो भी है, सब कुछ ही सुनाश्री के नाम से वो खत्म होने जा रहे हैं सुनाश्री के नाम से। आपको यकीन रखना होगा, आपको भरोसा रखना होगा, आपको विश्वास रखना होगा, क्योंकि आज आपकी जिंदगी में हर एक घटी और कमी को परमेश्वर पूरा करने वाला है। जैसे अनेक प्रकार की पथरी होगी, खून की कमी होगी, सूजन, खांसी, पीलिया, गांठ, अनेक प्रकार की कब्ज, अनेक प्रकार के सीट पिंपल्स, स्किन प्रॉब्लम्स हैं जिनके जीवन में, जिनकी अनेक प्रकार की प्रॉब्लम्स है, आज वो आपकी जिंदगी से जाने वाली सुनाश्री के नाम से। हालेलुया, 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 धन्यवाद ईशो, धन्यवाद ईशो प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई हो। जिनके पास घर नहीं है, परमेश्वर उनको नया घर देने जा रहा है, परमेश्वर उनको ढेर सारी ब्लेसिंग करने जा रहा है। जो सोच रहे हैं कि मैं अपने जीवन से, अपने जीवन में क्या दूसरा घर नहीं ले पाऊंगा, वो लेने जा रहे हैं सुनाश्री के नाम से। और जिनकी इस समय जमीन लेने की इच्छा है, परमेश्वर उनको आज देने जा रहा है सुनाश्री के नाम से। हर एक घटी और कमी को परमेश्वर पूरा करने जा रहा है सुनाश्री के नाम से। हालेलुया, 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 पूरा कर सुनाश्री के नाम से। अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा दे पिता परमेश्वर, वो जाए उनके जीवन में, हर एक घटी और कमी को दूर करें, हर प्रकार की चिंताओं को, हर प्रकार की प्रॉब्लम को, हर प्रकार की मुसीबतों को आज वो आपकी जिंदगी से जाने वाली सुनाश्री के नाम से। हर प्रकार के ज्वार, हर प्रकार के चक्कर आना, लकवा, सिर में दर्द, पैरों में दर्द, खुजली, अनेक प्रकार के सिर में दर्द, टीबी की बीमारी, नींद आना, ब्लड प्रेशर हाई लो होना, परमेश्वर आपकी जिंदगी को आज बहुत स्ट्रांग करने जा रहा है, आपके जीवन की हर एक घटी और कमी को पूरा करने जा रहा है सुनाश्री के नाम से। केवल आपको मांगना है, आज आपको केवल प्रार्थना करना है, बड़े हिम्मत के साथ, बड़े हिवाओं के साथ अपने हाथों को उठाइए, अपने आंखों को बंद करिए, क्योंकि खुदा आज आपको ब्लेस करने जा रहा है, आपको आशीष देने जा रहा है। अपने हाथों को उठाइए और कहिए, पिता परमेश्वर से कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपने मुझे चुना है, आपने मुझे संभाला है, तो आप मुझे अंत तक संभाले रहेंगे पिता, जब तक मैं इस पृथ्वी पर हूं, जब तक आपने मुझे जीवन दिया, जब तक आपने मुझे श्वास दिया, मेरे घर के, मेरे परिवार के लोगों को, मेरे माता पिता, भाई बहनों को, सभी को आपने सुरक्षित रखा, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं पिता, यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई करते हैं, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु नासरी के नाम से। खुदावन, इनके जीवन की हर प्रकार की घबराहट को, हर प्रकार की उलझन को, हर प्रकार के मानसिक रोग को, हर प्रकार की बीमारियों को, तमाम प्रकार के हृदय रोग, फिजिकली और मेंटली जो इसमें परेशान है, मानसिक तौर से ज्यादा गुजर रहे, यीशु नासरी के नाम से उनके जीवन की हर प्रकार की बरकत, हर प्रकार से उनके आशीष देने जा रहे, यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। फिजिकली जो प्रॉब्लम्स है, जिसमें वीक हो चुके हैं, बहुत कमजोर हो चुके हैं, उनकी शारीरिक हेल्थ प्रॉब्लम बहुत ज्यादा घट चुकी है, तो आज उनको परमेश्वर ब्लेस करने जा रहा है, उनको आशीष देने जा रहा है। आपके बिजनेस में, आपके जॉब में हर एक घटी और कमी को परमेश्वर पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। आपको बिल्कुल भी चिंतित नहीं होना है। आपके घर के लिए प्रार्थना, आपकी नौकरी के लिए, आपके जॉब के लिए, आपके परिवार के लिए, आपके कर्ज से दबे हुए हैं, बोझ से दबे हुए हैं, तो परमेश्वर ने कहा, हे बोझ से दबे हुए लोगों, तो मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। यदि आज हम विश्वास करते हैं, भरोसा रखते, उसके पास जाने की कोशिश करते हैं, तो आज हमें परमेश्वर में ढेरों बरकत और आशीष देने जा रहा है। जीवन की हर एक घटी और कमी को परमेश्वर पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। इसीलिए उस खुदा पर यकीन रखिए, भरोसा रखिए, आज आपको छूने वाला परमेश्वर है। इसीलिए आपको बिल्कुल भी चिंतित नहीं, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, बिल्कुल भी हताश नहीं होना है। यीशु नासरी के नाम से खुदावन, हम आपकी महिमा करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं कि पिता आपने हमें संभाला, आपने हमें सुरक्षित रखा, आपने हमें ज्ञान और बुद्धि, आपने हमें हर प्रकार की मुश्किलों से आप बचाएंगे। यदि आज आप खुदा पर यकीन रखते हैं, भरोसा रखते हैं, तो परमेश्वर आपकी जिंदगी में हर एक मुसीबत से आपको बचाने वाला है। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, सत्कलम, 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 छुपेता परमेश्वर, छोपिता परमेश्वर, छोपिता परमेश्वर, यीशु नासरी के नाम से। वो आप पर यकीन रखते हैं पिता, वो आपके बेटे और बेटियां हैं जिस समय बहुत ज़्यादा चिंतित हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं, इनके जीवन को छोपिता परमेश्वर, जो आप इस समय से अपने हाथों को उठाए हुए हैं पिता परमेश्वर, स्वर की ओर देख रहे हैं पिता परमेश्वर, उनके जीवन में पवित्र आत्मा, उनको पवित्र आत्मा से भर पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा से उनको अभिषेक कर, यीशु नासरी के नाम से, उनके जीवन की हर एक जरूरतों को पूरा कर, हर प्रकार की बीमारियों को, हर प्रकार की चिंताओं को, जो शादी को लेकर के चिंतित हैं, परेशान हैं, हताश हैं, हर प्रकार की महामारी को, हर प्रकार की प्रॉब्लम को, हर प्रकार की चिंताओं को, हर प्रकार की जो प्रॉब्लम है पिता परमेश्वर, यीशु नासरी के नाम से, कि हमने आपके वचन के द्वारा पिता परमेश्वर प्रार्थना किया, हमने वह आपके वचन को सुना पिता परमेश्वर, के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं पिता। आपने हमें सुरक्षित रखा, आपने हमें ज्ञान और बुद्धि और समझ, आपने हमें ताकत दी,
इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद ईश्वर प्रभु। आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते हैं परमेश्वर। आपको आजाद करने चाह रहा है हर प्रकार की समस्याओं से, आपको आजाद करने चाह रहा है। चाहे पुलिस कोर्ट कचहरी के अनेक प्रकार की प्रॉब्लम्स, अनेक प्रकार के केस आपके जीवन में चल रहे थे, ईश्वर नासरी के नाम से आपको आजाद करने जा रहा है। आपको ढेर बरकत और आशीष देने जा रहा है, ईश्वर नासरी के नाम से आपको छूने जा रहा है। हर एक मसीह भाई बहन कमेंट करेगा, हर एक मसीह भाई बहन कमेंट करेगा। जितने लोग भी जुड़े हुए हैं परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, हर एक मसीह भाई बहन कमेंट के माध्यम से बताइए आपके परिवार के लिए, घर के लिए, आपके बिजनेस के लिए, आपके जॉब के लिए, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम के लिए, अनेक प्रकार की चिंताओं के लिए। खुदावंद यीशु नासरी के नाम से हम आपके चरणों में आते हैं, प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं कि पिता आपने उनके सुरक्षित रखा, आपने उनके घर को, परिवार को, उनके माता पिता भाई बहनों को, आपने सभी को सुरक्षित रखा। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आज आपके जीवन में परमेश्वर ढेरों बरकत और ढेरों आशीष देने जा रहा है। आपका बिजनेस जो छोटा उसको बड़ा करने जा रहा है, और जो बड़ा उसको बहुत बड़ा करने जा रहा है परमेश्वर। आपको आशीष देने जा रहा है, आपकी नौकरी में प्रमोशन आपको परमेश्वर देने जा रहा है, आपके जीवन की हर की घटी कमी को परमेश्वर पूरा करने जा रहा है। जो कर्ज से दबे हुए हैं परमेश्वर आपको एक नया रास्ता देने जा रहा है, एक नया मार्ग देने जा रहा है, एक नई उम्मीद देने जा रहा है। जिस समय आप चिंतित हैं, जो परेशान हैं, हताश, आपकी जीवन की हर की घटी और कमी को परमेश्वर पूरा करने वाला वो खुदा आपके जीवन में आपको बरकत और आशीष देने जा रहा है। आपके जीवन की हर एक प्रकार की प्रॉब्लम, चाहे किसी भी प्रकार की बीमारी से लेकर के, दुख से लेकर के, चिंता से लेकर के, प्रॉब्लम से लेकर, एक प्रकार की समस्याओं से लेकर के, आप बहुत ज़्यादा पीड़ित हैं, बहुत ज़्यादा चिंतित हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं, आपको बिल्कुल भी हताश नहीं होना, आपको बिल्कुल भी निराश नहीं होना, क्योंकि खुदा वो आपकी ज़िंदगी में काम करने जा रहा है, वो आपको आशीष देने जा रहा है, आपकी जीवन की हर एक घटी और कमी को परमेश्वर पूरा करने जा रहा है, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपको एक नया करने जा रहा है। यीशु नासरी के नाम से हम आपकी महिमा करते हैं। हालेलुया हालेलुया धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु। आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई करते हैं। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु नासरी के नाम से खुदावंद हम आपके चरणों में आते हैं। आज हम प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं पिता परमेश्वर, हमारी स्किन प्रॉब्लम, जितने भी मसीह भाई बहन इसमें स्किन प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, अपने हाथों अपने स्किन पे हाथ रखिए, अपने फेस पे हाथ रखिए, क्योंकि खुदावंद आपको ब्लेस करने जा रहा है, आपको आशीष करने जा रहा है, आपको शंगाई देने जा रहा है। यीशु नासरी के नाम से जो भी जिनके पिंपल्स की प्रॉब्लम है, अनेक प्रकार की स्किन प्रॉब्लम है, आज वो आपको छूने जा रहे हैं यीशु नासरी के नाम से। शरीर की किसी भी अंग में किसी भी रोग, यीशु नासरी के नाम से आज वो आपके जीवन से जाने वाली है। यकीन रखिए, भरोसा रखिए उस खुदा पर, उस परमेश्वर पर, आपको बहुत बरकत और आशीष देने जा रहा है, आपको पावरफुल बनाने जा रहा है, आपको स्ट्रांग करने जा रहा है, को मजबूत करने जा रहा है। यदि आज हम विश्वास रखते हैं, भरोसा रखते हैं, तो आज हमारी जिंदगी की हर एक घटी और कमी को, पैरों से लेकर के अनेक प्रकार की प्रॉब्लम, सिर से लेकर के पैर तक तमाम दुख और दर्द भरे अंग होते हैं यीशु नासरी के नाम से। आज संसार में हर एक व्यक्ति पीड़ित है, चाहे छोटा बीमारी हो, बड़ी बीमारी हो, किसी भी प्रकार से हर एक व्यक्ति संसार में पीड़ित है, दुखित है, चिंतित है, परेशान है, हताश है, निराश है। लेकिन परमेश्वर वचन कहता है, यकीन रख, यदि तू परमेश्वर पर यकीन रखता है, भरोसा रखता है, खुदा पर यकीन रखता है, तो आपकी जिंदगी में किसी चीज़ की कोई घटी या कमी नहीं होगी, क्योंकि सर्वशक्ति परमेश्वर आपके जीवन में आपको ब्लेसिंग करने जा रहा है, आपको आशीष देने जा रहा है, आपके जीवन की हर एक प्रकार की प्रॉब्लम को ठीक करने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया 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 धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो। सत्कलम 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 छुपेता परमेश्वर, छो पिता परमेश्वर, आज इनकी जिंदगी की जीवन की हर प्रकार की प्रॉब्लम को छो पिता परमेश्वर। जो बड़ी हिम्मत के साथ, बड़े हिवाओं के साथ, बड़े दिलेरी के साथ इस प्रार्थना को ग्रहण करते हैं, क्योंकि आज उनकी जिंदगी को आप ब्लेसिंग करने जा रहे हैं, उनको आशीष देने जा रहे हैं यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया हालेलुया धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। आपको घबराना नहीं है, आपको बिल्कुल भी चिंतित नहीं होना, आपको परेशान नहीं होना है। आपके आंसू बह रहे हैं तो परमेश्वर वचन कहता है तेरे जीवन में खुशी आने वाली है। तो इस समय रोता है, तो चिंतित है, परेशान है, हताश है अपने जीवन को लेकर के, अपने परेशानियों को लेकर के, तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, क्योंकि आज वो आपकी जिंदगी में परमेश्वर काम करने जा रहा है। हालेलुया हालेलुया धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु। आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई करते हैं। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु नासरी के नाम से हर प्रकार की बीमारियां इनके जीवन से जाए पिता परमेश्वर, हर प्रकार की शैतानी ताकत इनके जीवन से जाए यीशु नासरी के नाम से। हर प्रकार की इनके जीवन में जो भी घटी और कमी, उसको पूरा करने वाले पिता आप हैं यीशु नासरी के नाम से। आज इनको आप संभालने वाले आप हैं, इनके बेटे और बेटियों को जीवन और सुख और शांति और जीवन इनकी शांति देने वाले आप हैं पिता परमेश्वर। इस समय जो चिंतित हैं, परेशान हैं, हताश, उनको आप संभालने वाले आप हैं पिता परमेश्वर। आज आपकी आप पर बिलीव करते हैं, आप पर भरोसा रखते हैं पिता। आज इनकी जिंदगी को आप छूने वाले यीशु नासरी के नाम से। आपकी महिमा करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं पिता। आप पर यकीन रखते हैं उस खुदा परमेश्वर पर, इसीलिए परमेश्वर आज इनकी जिंदगी को आप छूने वाली यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया हालेलुया धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, आमीन।